ये बीफ चाप है, चाप खट्टी फाल बना रहे हैं इसकी, और ये 1 किलो फाल है, 1 किलो चाप से ये। अब इसका मैं मसाला बताती हूँ। इसके अंदर है 20 से 15 करी पत्ते, 4 पुदीने के पत्ते, और 4 लौंग, 2 इलायची, 2 हरी मिर्ची और 2 1 अनियन। अब ये अदरक लहसुन का 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का मसाला 2 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून लहसुन का, 1 स्पून अदरक का, ये डालती हूँ। और ये सूखे मसाले हैं, ये सूखे मसाले 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन क्यूब, और 2 स्पून बेसन पाउडर, भुना हुआ बेसन है ये, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। ये सब मसाले डाल के मैं मैरिनेट करती हूँ। मैरिनेट करके 1/2 घंटा इसको फ्रिज में रखना है। अभी ये डालती हूँ, इसे अच्छे से मिक्स करना। ये खट्टी पाल है, देखिए बनाती हूँ मैं, ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्ट होती है। और ये चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। अभी मैं बीफ की बना रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। मैं थोड़ा हड्डी वाला लेके हूँ, थोड़ा हड्डी वाला लेके हूँ, अच्छा रहेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 3 टेबल स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है इसको, अच्छे से मैरिनेट करके 1/2 आवर रखना है इसको फ्रिज में। इसे स्पून से भी मिक्स कर सकती हैं और हाथ से भी मिक्स कर सकती हैं, जैसे चाहे मर्जी यूज़ कर लियो। और इसमें तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल डालने से मसाला सब अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसे फूड कलर डालना तो फूड कलर डाल सकते हैं, या तो ग्रीन या तो रेड, कोई सा भी डाल सकते हैं, मैं तो ऐसा ही बना रही हूँ। अभी मैं फ्रिज में रखती हूँ ये। अभी वो मैरिनेट किया था ना, वो रेसिपी बना रही हूँ। 4 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। नाम है हिना खान है मेरा। खट्टी फाल बनाती हूँ मैं अभी। 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और 2 तेज़पात डाल रही हूँ, और ब्लैक इलायची डाल रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा, जावित्री के पत्ते, और 10 से 12 काली मिर्ची, और 4 से 5 लौंग, 1/2 इंच दालचीनी का पत्ता, और थोड़ी सी सौंफ। अभी फ्राई कर रही हूँ ये। अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अच्छे से भूनना है। और 1 कप प्याज डाल रही हूँ।
प्याज थोड़ा सा शाइन होने तक भुनना है। इसे अच्छे से भुनना है, गोश्त को अच्छे से भुनना। डीप चाप है ये, पीस है, ऐसे भी पीस है, नरम पीस भी है और हड्डी वाला भी है। ये पूरा मैं डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना, भूनना। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा बनता है ये, आप खा के देखिए, आप बना के घर में देखिए आप। मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी आपको। अच्छे से भूनने दो, थोड़ी देर ऐसा ही छोड़ेंगे। इसको स्लो फ्लेम में भी रख सकते हैं, ज़रा ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ा सा नीचे से लगेगा। थोड़ा अच्छा गर्म होने तक इसको फ्राई करना है, अच्छे से भूनना है इसको। थोड़े कम ऑयल में बना रही हूँ मैं, बहुत हेल्दी है ये। इसको पलट पलट के भुनना है। देखिए इसका कलर कैसा चेंज हो गया है, अभी तो खुशबू आने लगी है। अभी थोड़ा मैरिनेट का पानी था ना, वो थोड़ा डाल देती हूँ। इसमें भी पानी छिटेगा। अभी अच्छे से ये भुन गया है और मैं अभी लीड लगाती हूँ इसको। लीड लगा के दो तीन बेजल आने तक रखती हूँ। देखिए अभी लीड लगा रही हूँ इसको। इसको अच्छे से दो तीन बेजल आने दो, अभी खोल के देखेंगे कैसा बना है। वाह देखिए कैसा बना है, देखिए चॉप्स, देखिए खट्टी फल है ये, बहुत टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स बना के देखिए, ट्राई करके देखिए, ये मेरी रेसिपी को शेयर करिए। ये खट्टी फल बन गई है, अभी दिखाती हूँ कैसा गला है। देखिए देखिए कैसा ये टूट रहा है, बहुत अच्छे से गला है, बहुत टेस्टी है। इसे लाइक कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए इसको। आप ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी है, खट्टी पाल है इसका नाम। और ये ऐसी वीडियो देखने के लिए, फिर से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।